रामचरितमानस की लोकप्रिय चौपाइयों का अर्थ और उससे संबंधित कथा जानने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हमारे संस्कार। गोवर्धन पर्वत पर जब 7 दिन 7 रात घनघोर जल की बरसात हुई तो देवराज इंद्र ने सोचा, चलो देखकर आऊं कि ब्रजमंडल बह गया कि रह गया। जब इंद्र गोवर्धन आए तो जल का नामोनिशान नहीं था, ब्रज में धूल उड़ रही थी। ये देखकर इंद्र आश्चर्य से भर गए कि इतना जल गया कहां। दौड़े दौड़े इंद्र भगवान की शरण में आए और पूछा, प्रभु ये क्या चमत्कार है, सारा जल कहां गया। भगवान कृष्ण ने तब उनको एक कथा सुनाई। त्रेता युग में एक बार भगवान राम ने माता सीता को संतों की महिमा का वर्णन किया। संतों की महिमा सुनकर सीता जी के मन में बड़ी श्रद्धा हुई और उसी दिन उन्होंने श्री अगस्त मुनि को भोजन का निमंत्रण दे दिया। जब ये बात उन्होंने प्रभु श्री राम से कही तो भगवान हंसकर बोले, देवी अगर किसी संत को भोजन कराना ही था तो कम भोजन करने वाले संत को पुण्यता देती। तुम अगस्त मुनि को नहीं जानती, 3 चुल्लू में समुद्र सूख गए थे, भला उनका पेट भरना कोई हंसी खेल है। सीता जी ने गर्व से कहा, जब मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को भोजन करा सकती तो एक ऋषि का उदर नहीं भर सकती। मैं उन्हें तृप्ति नहीं महातृप्त करके भेजूंगी। श्री राम जी ने कहा, ठीक है देवी देखते हैं। फिर क्या था, बड़े जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई, खाद्यान्नों के पहाड़ लग गए। आखिर कितना खाएंगे। जब अगस्त जी खाने बैठे तो भोजन का कोई हिसाब ही नहीं। आखिर परोसने वाली साक्षात लक्ष्मी जी इतना मधुर और स्वादिष्ट भोजन सीता जी दास दासियों सहित परोसती जाएं और अगस्त जी तुरंत चट करते जाएं। सभी दौड़ दौड़ कर भोजन परोसने लगे, कहीं मुनि का तारतम्य न टूटे, कहीं भोजन का तारतम्य न टूटे। टोकरी की टोकरी थाल में पलट दी जाती और थाली क्षण भर में साफ हो जाती। थोड़ी देर में सारा भोजन साफ हो गया। इधर ऋषि की भूख बढ़ती जा गई, राज्य भर से खाद्यान्न मंगवाए पर सभी साफ हो गए। सीता जी घबरा गई और भागी भागी राम जी के पास पहुंची। प्रभु बचाओ, मुनि तो सारा भोजन चट कर गए, अब तो हम ही रह गए। भगवान ने हंसकर कहा, देवी मैंने तो पहले ही कहा था। माता सीता को थोड़ा सा गर्व हुआ था, उस गर्व का मर्दन किया भगवान श्री राम जी ने किया, तो सार पकवान जो बनाए थे मैया सीता ने सब थाली में सजाए। अगस्त मुनि आए, उन्होंने भोग लगायो तो पावे लगे, तो पूरे हमारे ये जो राम राज्य है तो पूरा अन्न हमारे अगस्त मुनि पान कर गए। तब बोले कि महाराज, जब मैया सीता मैया को गर्भ खंडित भयो, बोले महाराज की कह रहे हो, हमने तो छोटी 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 कटोरी में जाके हमने भोजन रखो, वो तो पाए गए। अब वो अगस्त मुनि कह रहे हैं कि सब भगोना भगोना ने समझने लाओ, सब पामेंगे हम तो, हमें तो भूख लग रही है, हमारी जो कि उधर की पूर्ति है भाई ना भाई, हमें काज और लेके आओ। तब सीता मैया ने सारे जो अन्न था अपने राज्य का तो सारा अन्न उनको दे दिया। अब हताश है कि घमंड है वो कि महाराज ऐसे ब्राह्मण से मुझको बचाओ। तब राम जी के शरण में गई कि महाराज अब मेरे बस की ना है, मैं समझ गई वो गर्भ भयो, आपने मेरे गर्भ को खंडित किया है, तो महाराज अब कोई आप रास्ता दिखाओ। तो श्री राम जी ने तुलसी दल लेकर के माता जी को दिया, सीता मैया को दिया है। मैया को देने के पश्चात कि जाओ आप उनको अगस्त जी को दे देना, उनकी उधर की पूर्ति हो जाएगी। तो वो तुलसी दल अगस्त जी को दिया, तुलसी ने जी जैसे ही अंदर गई है तुलसी का पान जैसे किया, अगस्त जी ने उनका उधर को डकार आने लगी, उधर की पूर्ति हो गई। अब बोले कि देवी जल और पीनो है, जल पीवे लगे तो भैया गिलास ला के रखो, बोले गिलास से काम नहीं चले वो, लोटा लोटा भी लाए, बोले लोटा से काम नहीं चले वो, बाल्टी लाए भगोना लाए, अब तो पूरे हमारे सीता मैया अयोध्या को जो भी जल हो सब मगावे लग गए। अब जल मगावे लग गए तो सरयू जी नदी में समुद्र में थोड़े जल जो जल जीव थे वो उनका मर्दन होने लगा, मरने लगे। तब रामचंद्र जी आए और हाथ जोड़े कि महाराज
आपके जल की पूर्ति अब तो ना कर पाऊंगा, अब इन जीवन की रक्षा करो, आगे द्वापर में वहां जल की पूर्ति करूंगा। तो जब इंद्र ने प्रकोप कर घनघोर वर्षा की तो भगवान कृष्ण ने अगस्त्य मुनि का आह्वान किया और कहा, मुनिवर आप अपनी प्यास बुझा लें। और अगस्त्य मुनि ओक लगाकर बरसात का सारा जल पी गए। इस तरह ब्रजमंडल में जल की एक बूंद भी न गिरी। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। साथ ही इस कथा को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।